अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक और नए वीडियो के साथ मैं जमशीद आप सबके सामने। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है ये मैंने वीडियो देखा है फेसबुक पे, और जब मैंने ये वीडियो देखा तो मैंने पाया इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यंग जनरेशन। इस वीडियो में जो मैसेज हमें दिया जा रहा है वो मैसेज आज की पूरी यूथ के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में एक काउंसलिंग पार्ट को समझाया जा रहा है कि पेरेंट्स का क्या रोल होता है अपने बच्चों के लिए, फिर चाहे वो बेटी हो उनका बेटा हो, तो आफ्टर मैरिज कौन सी काउंसलिंग हमें देनी चाहिए अपनी यंग जनरेशन को, ताकि उनके जो आफ्टर मैरिज रिश्ता है वो हमेशा के लिए बरकरार रहे, वो हमेशा खुशहाल रहे। इस वीडियो में वही मैसेज दी जा रही है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा बयान है, और ऐसे बयान हमें डे टू डे लाइफ में और ज़्यादा मतलब हाईलाइट करनी चाहिए, जहाँ पे एक सबक मिले यंग जनरेशन को कि वो अपनी लाइफ को इन ए सिंपल बेस्ट वे से कैसे स्पेंड कर सकते हैं, और बिना कोई इशू किए, मतलब बिना कोई इशू लाए लाइफ में वो आराम से अपनी लाइफ को जो है जी सकते हैं। तो हम सब मिलके, आइए मैं और हम सब मिलके ये वीडियो देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में जो एक मैसेज दिया जा रहा है मौली साहब के द्वारा, वो हम सब समझें और उसे अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करें, ताकि हम हमेशा खुशहाल अपने पेरेंट्स के साथ रहें, और जो पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों के लिए वो भी हम इसमें समझें। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बाकी बात करते हैं। मालिश ड्यूटी जिम्मेदारी कि निकाह पते जिंदगी गुजारस मुझे अप डाउन इन शुरन इन काउंसलिंग कर मोल मोज लाख करोड़ खर्च कर मसल हल इन बोसन दोन द्रमित बज बंदगी कर मुतालब ग बंदगी मज कि तु समझू पन्नस बो सुद मिजाज यह बंदगी ताकि तुह रलो दिल तुम हूँ ठीक पा जिंदगी बसर कर, मगर यह रलानस मन मालिस माज ड्यूटी कि तुम ग मिजाज रलानस मदद कर वन कित पा रिश्त फिरसाल विरसाल मकल सारी बासो आकाश मालिस जन बचन थोड़ा सा मिजाजस मज वगान गत ग बुलव पत वो वाक दलील वनो कैसा नचू बुलव अलग पे बोला गुबरा यूज ओन ऐसे कत यह गर वाजें रात बन अमिस मालन फेर माज हंद मल सुंद हमसाय वसन ये चान माज मे सर कर तमिस तो मालन फेर मगर मे कड़ पहन सह पे मज मज शरार हू कर मे कूर बर्दाश वुच गर कत बनो यह कस वन अमिस नजबिस वनस हमसाय वन फेसबुक वन सर मोल मोज अमिस कौर अलग पे चे मे कूर ये बरस मज आयस मे उन्द चीज समझ मे गई मुश्किल नौ मे खुन चुन समझ नुन बोल बोश समझ नुन रिश्त समझ कल इत पे सुबह इत पे मगर मे कर चड़ पानस मे कुर बर्दाश वह आज चेस राज ताज कर टोट छ मे वर म्यूट त वालान कहें कर चड़ पानस हज कर मगर दपान ना अशे गल वह लक्ष असे गल न वह लक्ष ख रथ कार ये इन बच्चन इत पे काउंसलिंग गज और अगर नमन बच्चन तुम इत पे काउंसलिंग करू खर पे कहें तुम दुख अस खर बड़ गुजारन जिंदगी पानी तुम्हें पता तुम क्या बोझ सत दुह सत रत या त्रे रत या वह आमाम सबने जरिए शेष वर्चम यह दपान नचू मे क्या हिस्स वा मे दि फिलहाल मे तेज तमें अलग अलग कर्मुत हमेशा तमें प्रत कुछ जाए अलग 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 मल त्रोनस बह अलग माज त्रोनस बह अलग वो नाल हेथ अलग लेकिन अगर हुत पे काउंसलिंग गल थो याद मरने किस दमस तम दुशवे बज खर शांत कर। इस वीडियो में हमने समझा कि पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों के लिए, स्पेशली जब बच्चों की शादी हो जाती है उस वक्त पे, कि उनको प्रॉपर काउंसिल कराना कि आप अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड कर सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ। कुछ चीज़ें हैं जिनमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, कुछ चीज़ों में हमें टॉलरेंस अपनी बढ़ानी होती है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे फेज़ आते हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, कभी आपकी लाइफ में कोई ट्रबल आएगा, तो जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है।
यहाँ पे पेरेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से काउंसिल करें कि आपको किस स्टेज पे कैसे रहना है, ताकि जो शादी के बाद उनकी लाइफ है अपने लाइफ पार्टनर के साथ वो खुशखुशहाल रहे और वो हर एक सिचुएशन को साथ साथ फेस करे और उसके बाद फॉरएवर के लिए अपनी लाइफ हैप्पीली जिए। मौली साहब का ये बयान बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बयान था और एक आई ओपनर था मेरे लिए भी। इनफैक्ट मैंने भी इस वीडियो से बहुत कुछ समझा, तो मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये बात शेयर करूं, ताकि वो लोग जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है वो भी देख लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिनकी अब शादी होने वाली है, या उन पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए जिनके बच्चे शादी के लायक हुए हैं। और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।